सब्सक्राइब कीजिए इनोवा इन्फो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इनोवा इन्फो। तो गाइस, आप स्मार्टफोन पे टेम्पर्ड ग्लास और कवर तो लगा के रखते ही होंगे, लेकिन लैपटॉप का क्या? लैपटॉप को भी गाइस कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे और काफी लंबे समय तक चलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में लैपटॉप के स्क्रीन गार्ड, की गार्ड और बाकी एसेसरीज की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि आपके लैपटॉप को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये मैंने अमेजोन से बुक करा था। इसमें आपको चार चीजें देखने को मिल जाएंगी, आपका स्क्रीन गार्ड, की गार्ड, लैपटॉप गार्ड, और गाइस आपको लैपटॉप के बाहर का कवर भी देखने को मिल जाएगा, जिसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले गाइस हमें अपने स्क्रीन गार्ड, लैपटॉप गार्ड देखने को मिल जाते हैं। इन्हें रखते हैं साइड में। फिर हमें हमारा लैपटॉप का जो कवर है वो देखने को मिल जाता है। और फिर हमें एक किट देखने को मिल जाती है, जो कि लैपटॉप के स्क्रीन गार्ड लगाने में जो काम आएगी। तो गाइस, अपने 15.6 इंच लैपटॉप स्क्रीन गार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिटी मीडियम है गाइस, और ये बेसिकली जैसे जनरली आते हैं स्क्रीन गार्ड वैसा ही है, कुछ खास नहीं है। फिर गाइस हमें देखने को मिल जाता है लैपटॉप के बैक पैनल में जो हम लगाएंगे अपनी लैमिनेशन कवर, इसकी क्वालिटी ठीक ठाक ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। और हमें इसमें एक कटर भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस, लैपटॉप की कवर की बात करें तो ये सॉफ्ट कवर है, जो कि रिवर्सेबल है, आप इसे दोनों साइडों से यूज कर सकते हैं, जो कि हमें 500 रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाता है, और ये आपके लैपटॉप को डस्ट से बचाकर रखेगा। और गाइस, हम की गार्ड की बात करें तो की गार्ड आपको जेनरिक से की गार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी टाइम तक चलता है। तो चलिए गाइस अपना स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। जो आपको स्क्रीन गार्ड किट मिलती है उसके अंदर आपको दो वाइप्स देखने को मिल जाएंगे, एक वेट वाइप होता है, एक ड्राई वाइप होता है। तो सबसे पहले आपको पहला वाला वाइप यूज करना है, वेट वाला, उसके बाद आपको ड्राई वाला यूज करना है। और जहां जहां आपको वाइप करने के बाद भी आपको डस्ट दिखे, तो ये जो स्टिकर है, तो स्टिकर से आप डस्ट को हटा सकते हैं, और कुछ मैनुअल गाइड आपको देखने को मिल जाता है इसमें। और आपको एक कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिससे आप स्लाइड कर सकते हैं, और आपको एक कपड़ा देखने को मिल जाता है। तो स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट ए लिखा है, इसको पहले आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड वाला है, जब आप कंप्लीट कर चुके हों, अपना स्क्रीन गार्ड ढंग से लगा चुके हों, उसके बाद आपको ये सेकंड वाला हटा देना है। तो गाइस, हमने स्क्रीन गार्ड तो लगा लिया है, लेकिन इसमें कुछ बबल्स आ गए हैं। जब आप लगाएं गाइस, तो केयरफुली लगाना, मैंने तो जल्दीबाजी में लगा दिया था गाइस। कुछ बबल्स ऐसे भी होंगे गाइस जो जाएंगे नहीं, तो घबराइएगा नहीं, ये जब आपका लैपटॉप यूज होता रहेगा तो हीट से ऑटोमेटिक चले जाते हैं, सो डोंट वरी। गाइस, जो इसके साथ बॉडी लेमिनेशन आया था वो भी हमने लगा दिया है। ये उसी तरीके से आपको अपने लैपटॉप पे लगाना है, जैसे कि आपने अपना स्क्रीन गार्ड लगाया था। लेकिन गाइस, इसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास जची नहीं, क्योंकि इसमें बबल्स आ गए हैं खूब सारे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आई होप ये जब लैपटॉप यूज करेंगे हम लोग, तब ये हीटिंग से चले जाएं। लेकिन ये गाइस उसके साथ आया था, इसलिए हमने लगा लिया। गाइस, आखिरी में आता है हमारा की गार्ड, चलिए इसे भी फटाफट से लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से गाइस आपको इसे लगा लेना है, लेकिन मुझे स्क्रीन गार्ड की थोड़ी ठीक लगी क्वालिटी, और की गार्ड की क्वालिटी मुझे सही लगी। गाइस, आपने इसमें एक बैग देखा होगा, जो कि हमें 500 रुपए के अंदर ही मिलता है, और ये अलग अलग साइज के हिसाब से आते हैं गाइस। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपने मेरी HP 15DK 1514TX का गेमिंग टेस्टिंग वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके आई बटन पर देख सकते हैं, आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपने HP 15DK 1514TX लैपटॉप, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, उसका वीडियो नहीं देखा है, तो आपको ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और गाइस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो गाइस, आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।